और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई। इसमें रबीउल और अयोध्या प्रकरण पर आने वाले फैसले पर शांति बनाए रखने की अपील। मुस्लिम समाज के धर्म गुरु एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रामपुर में एएसपी डीएम के उल्लेख माओ ने कहा, उच्चतम न्यायालय की ओर से अयोध्या मामले में फैसला और इर्द गिर्द इल मिनाद उल नबी के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा रामपुर के हर वर्ग समुदाय के धार्मिक गुरुओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से अपील की कि राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी भी पक्ष में आए, सभी पक्ष उस निर्णय का सम्मान करें, किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। पुलिस कप्तान साहब, जहाँ तक अमन अमान की और आपस में मेलजोल की भाईचारे की बात है, उसमें तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। अपने अपने तरीके हैं, जो जुलूस निकालता है उसका भी एक तरीका है, जो जुलूस नहीं निकालते हैं उसका भी एक तरीका है। मेरे उस्ताद ने पसंद नहीं किया जुलूस को, मेरे पीने पसंद नहीं किया जुलूस को, क्या भीड़ भाव होती है उसमें कोई सलाहियत बात नहीं होती। पूरा इंडिया पसंद करता है हर मजहब। अभी जी 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 आप बोलो, माफी चाहूँगा, माफी चाहूँगा, माफी चाहूँगा। तो हम जुलूस में उससे नहीं होते हैं, बाकी हमारे यहाँ वो सीरत के जलसे होते हैं। मेरा दूर आज भी हमारे घर का समय मेरा दूर का जलसा था और वहीं से मैं आया यहाँ पर। हमारे साथ थोड़ा सुल्तानी साहब साहब भी हैं और मौलाना साहब, ये हमारे शिया हजार जो हैं इनके इमाम हैं, और हमारे साथ ये खालिद साहब हैं। कारण है हम लोग लगातार इसके लिए बैठके भी कर रहे हैं। अब एक फैसला कोर्ट से आना है जिस कोर्ट पे हमारा अख्तियार है, हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप कब क्या दो, पर कोर्ट को जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। हमें उसके जो उसके रिजल्ट हैं उसके बारे में उन सारे लोगों की फिक्र करनी है जिनके बारे में ऊपर वाले ने भी कहा है कि हमारी बेसिक जो चिंता है, सबसे सबसे जो बिगड़ैल बेटा होता है उसी की चिंता सबको होती है। बाप को भी सबसे बिगड़ैल बेटे की चिंता होती है, सबसे शरीफ वाले की चिंता नहीं होती। और उसकी चिंता होती है जो कहा नहीं मानता। कहीं से भी आप थोड़ा सा